दोस्तों, इस दुनिया में 10,000 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 1,230 प्रजाति भारत में देखी जा सकती है, जिसमें से बहुत सारी प्रजातियां हम इंसानों के कारण विलुप्त हो चुकी है और बहुत सारी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर है। जो भी हो, बिना पक्षियों के हमारा नीला आसमान बहुत फीका सा लगता है। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में बताएंगे जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत व आकर्षक होते हैं। नंबर 1, सेक्रेटरी बर्ड। दोस्तों, विश्व में कई प्रकार के रंग बिरंगे व अनोखे पक्षी पाए जाते हैं। अनोखे दिखने वाले पक्षियों में सेक्रेटरी बर्ड भी एक बेहद ही अनोखा पक्षी है। न केवल इसका नाम अजीब है, बल्कि इसका शरीर भी अजीब होता है। इसका आधा शरीर बाज की तरह तथा आधा क्रेन सारस की तरह होता है। सेक्रेटरी बर्ड सूडान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। यह एक बड़े आकार का जमीन पर चलने वाला शिकारी पक्षी है। सेक्रेटरी बर्ड खुले मैदान व सुहाना घास के मैदान तथा रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादातर रहना पसंद करता है, लेकिन कभी कभी यह पक्षी कम घने जंगलों व झाड़ीदार जंगलों में भी देखा गया है। इस पक्षी का औसतन जीवन 10 से 15 साल होता है। सेक्रेटरी बर्ड की लंबाई 35 से 54 इंच के बीच, वजन 2.5 किलो से 5 किलो के बीच तथा पंखों का फैलाव 75 से 86 इंच तक होता है। इस पक्षी को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इसके सिर पर छतरीनुमा पंख होते हैं, जो इसको और पक्षियों से अलग बनाते हैं। इस पक्षी के पंख बाज के समान होते हैं, परंतु इसके पंख घुमावदार होते हैं। इसका शरीर मुख्य रूप से भूरे रंग का होता है। इस पर कुछ संख्या में सफ़ेद पंख भी होते हैं, परंतु उड़ते समय इसके काले पंख दिखाई देते हैं तथा इसके चेहरे पर लाल नारंगी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो सभी शिकारी पक्षियों में इस पक्षी के पैर सबसे लंबे व अजीब होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस पक्षी ने लंबे काले मोजे पहन रखे हो। नंबर 2, ब्लू क्राउन पिग्योन। दोस्तों, जैसा कि आप नाम से पहचान गए होंगे, ब्लू क्राउन पिग्योन एक बेहद ही खूबसूरत कबूतर होता है जो नीले रंग का दिखाई देता है, जिसके सर पर मुकुट की तरह नीले रंग की एक छतरी के समान छत्ता होता है, जिस कारण इसको मुकुट वाला कबूतर या नीले मुकुट वाला कबूतर भी कहा जाता है, तथा इसकी आंखों के चारों ओर गहरे नीले रंग के पंख होते हैं। इस नीले रंग के कबूतर का वजन 1 से 2 किलोग्राम तथा लंबाई औसतन 70 सेंटीमीटर तक होती है। यह कबूतर दुनिया भर के कबूतरों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, जिस कारण इस नीले कबूतर की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। दोस्तों, अगर इसकी पूंछ और पंखों की लंबाई की बात की जाए तो इसके पंखों की लंबाई 36 से 39 सेंटीमीटर तथा पूंछ की लंबाई 27 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। अन्य कबूतरों की तरह ब्लू क्राउन कबूतर भी दो दो के जोड़े या बहुत सारे कबूतरों के समूह के साथ आकाश में यात्रा करते हैं, क्योंकि ये भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं। इनके भोजन में आमतौर पर गिरे हुए फल होते हैं। इनकी प्रजाति के पक्षी विशेष रूप से अंजीर खाने के बहुत बड़े शौकीन होते हैं। जब ये पक्षी कभी परेशान होते हैं तो ये सीधे घने जंगलों की ओर उड़ जाते हैं। नंबर 3, मलेशियन लार्ज फ्रॉग माउथ। दोस्तों, यह एक बेहद ही अजीब सा दिखने वाला पक्षी होता है जो दिखने में उल्लू की तरह दिखाई देता है, तथा इसका मुंह मेंढक के समान होता है, जिस कारण इसको लार्ज फ्रॉग माउथ के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी अपने जैसे दिखने वाले पक्षियों की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी लंबाई औसतन 42 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगर इसके रंग की बात की जाए तो इसका रंग परिवर्तनशील होता है, जो समय समय पर कुछ हद तक बदलता रहता है। वैसे मुख्य रूप से इस पक्षी का रंग काले भूरे व सफ़ेद रंग के साथ पट्टीदार व चित्तीदार होता है। इस प्रजाति के पक्षी मुख्य रूप से मलेशिया में पाए जाते हैं, लेकिन यह प्रजाति थाईलैंड व इंडोनेशिया में भी देखी जा सकती है। यह समुद्री तल से कम 250 मीटर या शायद 1000 मीटर तक भी पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर इस पक्षी के व्यवहार की बात की जाए तो यह पक्षी रात में शिकार करता है। इसके शिकार में घास फूस व कीड़े शामिल होते हैं। यह दिन ब दिन एक पेड़ की शाखा से दूसरे पेड़ की शाखा पर घूमता रहता है, जब तक कि यह घने जंगल वाले सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाता। नंबर 4, स्ट्रॉबेरी फिंच। स्ट्रॉबेरी फिंच गोरैया के आकार का एक बहुत ही खूबसूरत व आकर्षक पक्षी होता है, जो एशिया के खुले खेतों और घास के मैदानों में आसानी से देखा जा सकता है। इस छोटे व बेहद ही प्यारे पक्षी को इसकी काली पूंछ व इसके लाल रंग से आसानी से पहचाना जा सकता है।
यह पक्षी मुख्य रूप से समतल मैदानों, ऊंची घास या फसलों वाले स्थानों पर अक्सर पानी के पास पाया जाता है, जो कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में देखने को मिलता है। स्ट्रॉबेरी फिंच आमतौर पर छोटे झुंडों में देखे जाते हैं, जो तेजी से अपने पंखों के साथ उड़ते हुए घास के झुरमटों में उतरते हैं, जहां इनको पहचानना काफ़ी कठिन हो जाता है। प्रजनन के मौसम के दौरान ये पक्षी हमेशा नर मादा जोड़े के साथ रहते हैं। अगर इनके भोजन की बात की जाए तो ये पक्षी भोजन में मुख्य रूप से घास के बीज तथा कभी कभी दीमक जैसे छोटे कीड़ों का भी शिकार करते हैं। ये पक्षी घास के छोटे छोटे तिनकों से एक गोलाकार घोंसला बनाते हैं, जिसमें ये लगभग 5 से 6 सफ़ेद अंडे देते हैं। इस पक्षी की चोंच का रंग परिवर्तनशील होता है। इसकी चोंच मई में लाल होना शुरू हो जाती है और नवंबर व दिसंबर के दौरान तक लाल रहती है, और फिर चोंच अप्रैल में तेजी से काली हो जाती है। नंबर 5, निकोबार पिग्योन। निकोबार पिग्योन भी एक बहुत खूबसूरत व आकर्षक कबूतर होता है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह कबूतर साइज में काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। अगर इसके रंग की बात की जाए तो इस पक्षी का सिर ग्रे रंग का, पूंछ बहुत छोटी सफ़ेद रंग की तथा इसके बाकी हिस्से की बनावट हरे रंग की होती है। इस प्रजाति में नर कबूतर की तुलना में मादा कबूतर थोड़ी छोटी होती है। यह कबूतर एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक झुंड में घूमते रहते हैं। आमतौर पर यह ऐसी जगह अपना डेरा डालते हैं जहां इनको कोई शिकारी नुकसान ना पहुंचा सके, और बेहतर भोजन की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ये ज़्यादा से ज़्यादा दिन बिताते हैं। इनके भोजन में मुख्य रूप से फल, फूल, कलियां व बीज शामिल होते हैं। पहली बार इस पक्षी को ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था। शिकारियों द्वारा इन कबूतरों का काफ़ी भारी संख्या में शिकार किया जाता है, और इनका उपयोग एक खास तरह के पत्थर में भी किया जाता है, जिसका उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।